तो अभी अरे सर गुरु मानता हूँ, तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं प्रियंका। सो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं कुछ नया लेके आई हूँ। सीरियसली आज मैंने एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है, जो चैलेंज है रोज़े का। एंड रोज़ा मैंने क्यों रखा है वो मैं अभी आपको बताती हूँ। रोज़ा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि मेरे एक फॉलोअर हैं जिन्होंने मुझे कहा आप सहरी तो करके आए लेकिन आपने रोज़ा नहीं रखा, एक बार रोज़ा रख के देखो कैसा लगता है। तो फाइनली आज मैंने डिसाइड किया क्यों ना आज रोज़ा रखा जाए, फील होता है वो अपना एक्सपीरियंस आपको मैं शेयर करूँ। देन मैंने सुबह का अलार्म लगाया एंड सहरी के लिए मैं उठने वाली थी 3 बजे। मेरा अलार्म है ना बजा, लेकिन मैं बंद करके फिर सो गई और सुबह उठी तो सीधा 7 बजे उठी। उसके बाद मुझे याद आया अरे, तो फाइनली मैंने ऐसे ही रोज़ा रख लिया। तो रात को ही लास्ट खाया था वही 11 बजे के करीब में, तो उसके बाद मैंने खाना नहीं खाया और अभी मेरा रोज़ा है और अभी बज रहे हैं 8। और चलते हैं बाकी घर का काम वाम करते हैं, मम्मी के थोड़े हेल्प वेल्प कराते हैं, नहा धो लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं। तो चलिए सो फाइनली गाइस अभी पता क्या हुआ, मैं नहा के निकली, जैसे ही मैं नहा के निकली वैसे ही अरवाज़ सर का कॉल आ गया, अरवाज़ ब्लॉग्स। फिलहाल उन्होंने आज मुझे अचानक से कॉल किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब मैं बोल नहीं सकती आपको मेरे को कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मैंने रोज़ा रखा है। और आपको मैं बताऊँ तो उन्होंने मुझे अपनी इफ्तार पार्टी में इनवाइट किया है। और आज मैंने उनको बताया कि मैंने रोज़ा रखा, तो उन्होंने कहा तुमने रोज़ा क्यों रखा है? तो मैंने उन्हें बताया वो पूरा इंसिडेंट जो मैंने अभी आपको बताया। सो मैंने उनको बताया तो वो हंसने लगे, कह रहे चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है आ जाओ। तो अब मैं उनके वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती हूँ जहाँ उन्होंने मुझे बुलाया है, फिर मैं आपको वहाँ मिलूँगी। फाइनली गाइस अभी हम घर से निकल चुके हैं। वेल रोज़ा तो बहुत हार्ड होता है यार, कैसे रखते हैं मतलब मेरा पूरा गला सूख रहा है, फिर भी मैं चैलेंज पूरा करूँगी जो मैंने मतलब एक्सेप्ट किया है। बट चलो फाइनली गाइज मैं आ गई हूँ और यहाँ से अब हम बैटरी रिक्शा करेंगे जिसे हम ई रिक्शा भी कहते हैं, उसके बाद हम जाएंगे। और ये अरवाज व्लॉग से फर्स्ट टाइम मिलेगा। हाँ, तो मैं थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट है कि हाँ मिलना है, तो चलो उन्होंने इनवाइट किया तो चलते हैं। और हमारे ठीक सामने कब्रिस्तान है वो रहा। मैं सोच रहा हूँ ना एक अगर गाइज तुम ना कमेंट कर दो, ठीक है मैं चलो एक दिन रहने को तैयार हूँ, मैं एक दिन रहने को तैयार हूँ, तुम कमेंट डाल दो बस। सो फाइनली गाइज हम ईरानी टी के पास आ चुके हैं जहाँ वो बेसिकली बैठते हैं, ये रहा। और अब हम अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं किधर है। हेलो, याद हूँ मैं जब फर्स्ट हमारा मीटअप हुआ था तो हम इनसे मिले थे, यही हमें लेने आए थे और आज भी यही लेने आए हैं। तो अब देखते हैं हर बार कब तक आते हैं, वेट करिए। ये रही है सर हमें लेके जा रहे हैं साथ साथ, तो मे भी ये उनका घर है तो उन्होंने अंदर बुलाया है, अब हम जा रहे हैं। हैप्पी रमजान। सो अभी अरे सर गुरु मानता हूँ, ठीक है बैठी बैठी बैठी। ये भाई है, हाँ तो सर ने आज इनवाइट किया इफ्तार में एंड हियर इज इफ्तार प्रिपरेशन। तो ये आ गए हमारे गेस्ट। अरे आप भी ब्लॉग बना रहे हो? अरे वाह, हैप्पी रमजान रमजान रमजान, आ जाओ आ जाओ। अरे नहीं पैरों में छुओ, अरे नहीं तो पैर छूने जरूरत नहीं है, बैठो 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 आप, ठीक है बैठिए 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 बैठिए। अच्छा आप भाई हैं आपके? अच्छा अच्छा बैठिए बैठिए, चलो चलो बैठो। कोई आने में प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं सर कोई प्रॉब्लम, मुझे तो आपकी माशाल्लाह सर, मुझे तो मेरे रखने का शौक है सर, पहले ही रखा। अच्छा अच्छा, सो फाइनली अब हम थोड़ी बातचीत के बाद करते हैं। तो इसमें आप सच्चे दिल से जो मांगते हो आपको मिलता है,
तो अभी क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, अभी गोला होने वाला है तो कई बार सायरन की आवाज़ आती है, बहुत सी जगह में सायरन की आवाज़ नहीं आती है, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। चलिए अजान, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अजान की आवाज़ आ ही जाती है। लगभग शाम के 7 बज चुके हैं और देखा जाए अपने यहाँ पे व्रत रखते हैं और उसके बाद समय पूरा होने के बाद व्रत को तोड़ते हैं, वैसे कुछ होती जा रही है, यूनिटी को वापस लाया जाए। और मेरा मानना यह है कि आपकी स्टोरी में दम होना चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खुद सर्व कर रहे हैं सर, देखो इनको शर्म नहीं आ रही, सर्व करवा रहे हैं। मैं तो ले लूंगी, आप रख दो, मैं लूंगी, आप रखो ना, मैं ले लूंगी। लो मेरे सामने लो, कुछ खाया था नहीं। सो फाइनली अभी हमारा इफ्तार फिनिश हो गया यहाँ से और अब हम निकल रहे हैं चाय पीने के लिए। कहाँ पे? ईरानी चाय, तो अभी हम जा रहे हैं ईरानी चाय पीने, तो अभी यहाँ से निकलते हैं। सो फाइनली अब हम ईरानी चाय के पास आ चुके हैं, जैसे कि ये देखो। सो ये रे अरबाज ब्लॉग, ये रे विशाल ब्लॉग और ये उन्नाव ब्लॉगर, उन्नाव ब्लॉगर है आपकी अपनी नोटी प्रियंका। और ये पागल जो हमेशा दिख दिख के बोर कर देता है। ये है ईरानी चाय, इसे ही कहते हैं ईरानी चाय। तो फाइनली अब हम ईरानी चाय पी के फिनिश करके जा रहे हैं और चाय हमारी कंप्लीट हो चुकी है और चाय यहाँ की औसम थी, तभी सर हमेशा यहाँ इकट्ठे होते हैं, बहुत अच्छी चाय थी। थैंक यू भैया। तो भैया ने बहुत अच्छी चाय पिलाई एंड ये रहे सर बैठे हैं। अब हम ब्लॉग का एंड करते हैं, तो निकलते हैं अब यहाँ। तो अभी अरबाज ब्लॉग जो है उन्होंने अभी यहाँ पे सबको स्वीट खिलाई है, ये है शाही टुकड़ा, ये है शाही टुकड़ा और जो करण ठूस रहा है, ये रहे वो खड़े। तो आज इन्होंने अपना बहुत सारा टाइम दिया और बहुत सारी प्रिपरेशन हमारे लिए की और बहुत अच्छा लगा, तो बहुत अच्छा लगा आज का, मेरा जो शाम थी बहुत अच्छी हो गई। तो चलिए अब थोड़ी फोटो क्लिक कर लेते हैं, बाकी चलते हैं। तो फाइनली गाइस अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड, अब हमारा जाने का टाइम हो चुका है क्योंकि अब इर्शा की नमाज हो चुकी है। तो ये सर अब हम चलते हैं घर की तरफ, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे। सो फाइनली अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे इफ्तार की वो कैसी लगी, मतलब हमें बहुत अच्छा लगा इसके साथ, हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इफ्तार का। सो आप कमेंट करना, हमें मोटिवेशन मिलता है। सो कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा।